दोस्तों अगर आपका चैनल मोनिटाइज है और आप मान लो कि आपका YT स्टूडियो में $50 हो चुका है, तो दोस्तों आपका जो $50 है वो आप इंडियन रुपीस में कितना पैसा हुआ आप YT स्टूडियो में कैसे चेक कर सकते हो इस वीडियो में पूरा बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना होगा तब भी आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देर में वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन। दोस्तों मेरा YT स्टूडियो में कोर्स भी डॉलर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज नहीं है, इसलिए दोस्तों मेरा चैनल में कोई डॉलर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका चैनल मोनिटाइज है और आपका डॉलर US डॉलर का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब आपका कितना डॉलर हो चुका है दिखा रहा है, तो दोस्तों जितना भी डॉलर हो चुका है उतना डॉलर आप इंडियन रुपीस में कैसे आप देख सकते हो पूरा वीडियो को देखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों अपना ऊपर में एक कोने में एक लोगो दिखेगा आपका, उसमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपको एक सेटिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सिंपली दोस्तों आपको उसमें आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी क्लिक करके आप देख सकते हो कितना डॉलर हो चुका है। जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग में क्लिक कर दोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक आन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपली दोस्तों आपको उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उसमें क्लिक कर दोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है US डॉलर सेट है, तो आप दोस्तों जैसे ही आप उसमें क्लिक कर दोगे आपको बहुत सारी डॉलर का ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारी कंट्री का डॉलर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ढूंढना है INR मतलब इंडियन रुपीस, तो दोस्तों INR आपको ढूंढना है। जैसे दोस्तों आप INR ढूंढ के देखोगे सेट कर दोगे और आप जब भी बैक आ जाओगे तो दोस्तों आपका जो YT स्टूडियो है वहाँ पे आपको इंडियन रुपीस में जो डॉलर था $50 तो वो आप इंडियन रुपीस में देख सकते हो ऐसे करके। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो को थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।